आपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज अवश्य किया होगा और ऐसे में आप कंप्यूटर में सी ड्राइव को जरूर देखा होगा। सभी कंप्यूटर में ड्राइव हमेशा सी से ही शुरू होती है। आप चाहे कोई भी नई हार्ड डिस्क में विंडो का इंस्टॉल करें, उसमें भी ड्राइव सी से ही शुरू होगी। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि इनका नाम ए या बी से शुरू क्यों नहीं होता है, कंप्यूटर में ड्राइव का नाम सी ड्राइव से ही शुरू क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पुराने समय में कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता था, अर्थात उस समय के कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा सेव नहीं किया जा सकता था। उस समय अगर किसी को कंप्यूटर चलाना होता था तो उसको फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करना होता था। बिना फ्लॉपी डिस्क के कंप्यूटर रन नहीं हो सकता था, इसलिए उस समय कंप्यूटर का सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क था, जिसका नाम बाद में ए रखा गया। इसके बाद टेक्नोलॉजी में विकास हुआ और एक नई फ्लॉपी डिस्क का निर्माण किया गया, जिसका नाम बी ड्राइव रखा गया। इन दोनों फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए दो अलग अलग ड्राइव बनाई गई, उनका नाम ए और बी रखा गया। फ्लॉपी में अधिक डाटा नहीं रखा जा सकता था और जो रखा जाता था वो सिक्योर भी नहीं रहता था। इसके बाद डाटा डिलीट या फिर खराब होने की संभावना अधिक रहती थी। वर्ष 1980 के बाद हार्ड ड्राइव में डाटा सेफ रहने के कारण अधिक प्रसिद्ध होने लगी। इसमें अधिक डाटा भी स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद एक्सटर्नल ड्राइव और पेन ड्राइव इत्यादि बाजार में उपलब्ध होने लगी। ए और बी ड्राइव तो पहले ही सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व हो चुका था, इसलिए हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क के लिए सी का निर्धारण किया गया। इसी कारण से कंप्यूटर में जो भी विंडो इंस्टॉल की जाती है वो हमेशा सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होती है, इसीलिए इस समय कंप्यूटर की पहली ड्राइव का नाम सी होता है।